सरकार ने पहले आदेश जारी किए थे कि अब लॉकडाउन में जो भी अनुमति पत्र या फिर पास पुलिस जारी करेगी, लेकिन सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है और पूर्व की व्यवस्था को ही कायम रखा है। यह जानकारी दी है झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने। इसके अलावा झुंझुनू को लेकर और भी काफ़ी जानकारियां दी कलेक्टर ने। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने लॉकडाउन में अनुमति पत्र और पास जारी करने को लेकर सख्ती कर दी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा है कि वे पूर्व में जारी किए गए पास की सूची एडीएम झुंझुनू को उपलब्ध करवाएं और आगे से जो भी पास नए जारी करें या फिर रिन्यू करें तो वो केवल और केवल एडीएम की सहमति के बिना न हो। उन्होंने साथ ही कहा है कि कम से कम पास जारी करने की सोच रखें। आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों और लोगों को पास की कोई जरूरत नहीं है। पास सिस्टम राज्य सरकार द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पास जारी करने के लिए अधिकृत कर रखा है और ये स्पष्ट कर रखा है सरकार ने कि गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी वाहन है उसको रोका नहीं जाए और इसके पालन की जा रही है। जहाँ तक कि इमरजेंसी कंडीशंस या अन्य कोई आवश्यक कार्य है उसके लिए पास जारी करने के लिए हमें हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को एसडीएम्स को ऑथराइज कर रखा है, तो वो एसडीएम्स हमारे आवश्यकता अनुसार मेडिकल ग्राउंड पर या अन्य इमरजेंसी के आधार पर पास जारी करते रहेंगे। वो स्थिति यथावत है और लेकिन एक चीज़ सभी पास जारी करने वाले अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है जिले के सारे अधिकारियों से कि पास जारी करने की स्थिति में देखें कि जहां कर्फ्यू लगा हुआ हो वहां पर इस तरह के पास जारी नहीं करें। इसी के अलावा जो अत्यावश्यक काम हो या आवश्यकता हो उन्हीं को पास जारी करें, पास को रूटीन के रूप में नहीं लें और क्योंकि इसका मिसयूज होने की संभावना है। पुलिस अथॉरिटीज़ भी इस बारे में बार बार लोगों से और पास जारी करने वाली संस्थाओं अधिकारियों से बोल रही हैं कि पास जारी करने के लिए सावधानी बरतें। तो मैं सारे पास जारी करने वाली अधिकारी हैं जैसे डीटीओ हैं, नगर पालिका है और उद्योग विभाग है, अन्य पशुपालन विभाग है, कृषि पद मंडी है, वो सारे अधिकारी अपने पास जारी करने के अपने से रिलेटेड कामों के लिए पास जारी कर सकते हैं, कर रहे हैं और लेकिन पास जारी करने के लिए सावधानी रखें, आवश्यक मामलों में ही पास जारी करें। उधर सरकार ने दो दिन पहले अनुमति पत्र और पास जारी करने को पुलिस को ही अधिकृत किया गया था, लेकिन अब ये फैसला भी वापस ले लिया गया है। अब पूर्व की व्यवस्था को ही रखा है जो न केवल झुंझुनू में बल्कि पूरे प्रदेश में लागू होगी। कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि सरकार के स्तर पर इसे लेकर पुनर्विचार हुआ था, जिसके बाद पुलिस द्वारा पास जारी करने के आदेश वापस ले लिए गए हैं। विभाग द्वारा पास जारी करने की बात को करंट है, अन्य डिपार्टमेंट्स में पुलिस भी शामिल है। पुलिस भी पूर्व की तरह यथावत अपने पास अपने स्तर पर जारी कर सकती है। जहाँ तक कि पूरे पास जारी करना पुलिस द्वारा के लिए ऑथराइज करने का है, इस बारे में राज्य सरकार और हमारे स्तर पर पुनर्विचार हुआ है और हमने इस जो इस तरह के आदेश हैं उनमें कुछ संशोधन करते हुए सभी अधिकारियों को जो पूर्व पास जारी कर रहे थे उनको वापस ऑथराइज किया है। कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि हमारे लिए खुशी की बात है कि झुंझुनू जिले में कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण की चेन तोड़ दी गई है। अब केवल नवलगढ़ को छोड़ दें तो जो चैन मंडावा और गुड्डागोडजी में बनी थी वो टूट गई है। नवलगढ़ में कांटेक्ट पर्सन और परिजनों के सैंपल भेजे गए थे जो सारे के सारे नेगेटिव आ गए हैं, इसलिए लोग घरों में ही रहें और संक्रमण को बढ़ने से रोकें। विदेश से आने वाले 11 लोग हैं और अन्य व्यक्तियों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिला था, तो वो 11 स्थल है, उसमें ग्राम भी है शहर भी है और केवल नवलगढ़ कस्बे में जो दो कोरोना पॉजिटिव आए थे उनके कॉन्टेक्ट्स और उनके परिवार के लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। बाकी सब जगह की रिपोर्ट आ गई है जो केस से जो पॉजिटिव केस से रिलेटेड थे और वो सारी रिपोर्टें नवलगढ़ को छोड़कर नेगेटिव आई है। इसका मतलब यह है कि उनके कॉन्टेक्ट वाले लोगों के प्रथम दृष्टया किसी तरह की अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, सबको आइसोलेशन में रखने की जरूरत है, सबको अपने घरों में रहने की जरूरत है और ये सावधानी का पीरियड है। जनता से अपील है कि वो अपने
घरों में रहें, सुरक्षित रहें, समाज को भी सुरक्षित रखें। झुंझुनू में अब रेड़ी ठेले पर सब्जी बेचने वालों को भी पास जारी किया जाएगा, साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। पिछले दिनों भाजपा नेताओं ने कलेक्टर से बातचीत की थी, जिसमें इस बारे में बातचीत की थी कि अब कलेक्टर ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है कि रेड़ी ठेले सब्जी बेचने वाले लोगों की न केवल नियमित जाँच हो बल्कि वे कोरोना एडवाइजरी का भी अक्षय पालन करें, यह सुनिश्चित किया जाएगा। के लिए पास जारी करने के लिए एज यूजुअल लोकल बॉडीज को नगर पालिका नगर परिषद को अथॉराइज कर रखा है सरकार द्वारा, लेकिन इसमें यह थोड़ा संशोधन अपेक्षित है कि पास जारी करने के समय वो देखें कि वो व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं है और उसका स्वास्थ्य का परीक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर ही पास जारी किए जाने चाहिए।